R1 ड्रॉप्स या जिनको इन्फ्लामेशन ड्रॉप्स कहते हैं, ये जो रेगवेक्स सीरीज है उसकी फर्स्ट नंबर की, पहले नंबर की जो ड्रॉप्स है, और ये जो बॉडी के अंदर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, चाहे आपका टॉन्सिलाइटिस हो या आपको फेरिंजाइटिस हो या अपेंडिसाइटिस हो, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, चाहे वो किसी चोट की वजह से हो, चाहे किसी वायरल या किसी बैक्टीरियल या किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो, या कोई चीज़ खाने से, जो ऐसी कोई चीज़ कभी हम खा लेते हैं जिससे हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिससे किसी तरह का इन्फेक्शन भी हो जाता है और जिससे जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होने लगती हैं। तो इस तरह अगर तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए जो इन्फ्लामेशन ड्रॉप्स हैं, जो R1 जो मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी इन्फेक्शन होगा, चाहे आपको टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो, टॉन्सिलाइटिस हो, आपके जो टॉन्सिल्स हैं वो बढ़ गए हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन है, इन्फ्लामेशन की वजह से दर्द है, उसके अलावा फीवर है, बुखार है, और वहाँ पर स्वेलिंग भी है टॉन्सिल्स में, तो इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव ये होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। दूसरे लंग्स में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन कहीं पर भी होगा, अगर आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपसेट हो जाता है, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी तरह का जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसके अलावा जो है आपको बुखार होना, दूसरे सिम्टम्स होना, तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लीवर में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाना, पेनक्रियास में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाना, या कोई भी हमारा सिस्टम है, कोई भी हमारा ऑर्गन है, उसमें जब भी अगर आपको किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होगा तो ये मेडिसिन आप लेंगे तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो अगर हम सिंपल वे में कह के हम कौन सी प्रॉब्लम्स में इस मेडिसिन को ले सकते हैं, तो अगर आपको कहीं पर भी पेन है, वहाँ पर आपको जो है स्वेलिंग है, रेडनेस है, उसके अलावा जो है आपको फीवर है, तो ये जो ऐसी कंडीशन होती हैं जो जनरली जो है किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की वजह से होती हैं। तो इस तरह की अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर आपको रेडनेस हो रही है, चाहे आपके चोट लगने की वजह से हो या किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो, वहाँ पर जो है पेन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, और साथ में फीवर है, तो ये जो है सिम्टम्स होते हैं इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं, और ये जो है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। बच्चे बड़े इसको सब ले सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और इस मेडिसिन को जो है आप अपने घर में रखें, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होती है, दर्द होता है, और उसके अलावा अगर आपको हाई फीवर है, तो उसमें भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह के जो इन्फ्लामेशन होते हैं, इन्फेक्शन में इन मेडिसिन को आप ले सकते हैं। एक्यूट जो प्रॉब्लम होती है उसमें 2-3 दिन में आपको पूरी तरह से क्योर मिलेगा, और जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है उसमें आपको लंबे टाइम तक थोड़ा इस मेडिसिन को लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये जो मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, जो मेडिसिन इसके अंदर मिक्स है उसमें एपिसमेल जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती है इन्फ्लामेशन के लिए, और दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो बेलाडोना। बेलाडोना एक तरह से किंग ऑफ इन्फ्लामेशन जिसको हम कहते हैं। कहीं पर भी अगर आपको इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, और उसके साथ आपको बुखार है, चाहे वो माइल्ड है या हाई फीवर है, उसमें बेलाडोना जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा दूसरी भी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें मिक्स हैं, जैसे हिपरसल्फ, काली बाइक्रोमिकम, मर्कुरियस सॉल, फाइटोलक्का, ये जितनी भी मेडिसिन हैं जो इन्फ्लामेशन की जो बेस्ट मेडिसिन इस मेडिसिन में मिक्स हैं। तो ये जो कंपोजिशन है, ये जो कम्बिनेशन है, R1 नाम से जो रेगवे सीरीज़ की फर्स्ट नंबर की जो मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अब इसको लेने का जो तरीका है वो ये, इस मेडिसिन को आप एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह के जो केस होते हैं उसमें ले सकते हैं। एक्यूट अगर प्रॉब्लम किसी को होती है, एकदम से इन्फ्लामेशन, एकदम से उसको कोई प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसको 10 से 12 बूंदे 1/4 कप ऑफ वाटर, जो आधे से भी आधा कप जिसको कहते हैं, 10 से 12 बूंदे इसको मिक्स करके दिन में 5 से 6 बार आप इसको लें। 6 बार तक भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको एक्यूट जो प्रॉब्लम है तो 10 से 12 बूंदे हर 2-2 घंटे बाद आप इस मेडिसिन की लें। जैसे जैसे आपको आराम मिलेगा इसका, 6 से इसको 4 बार कर दें, 3 बार, 2 बार, फिर इसको बंद कर दें।
जब ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह से क्योर हो जाएगी तो आप इस मेडिसिन को जो है बंद कर दें। और जो क्रॉनिक अगर कंडीशन किसी को है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है किसी को भी, बहुत दिनों से आपको इस तरह का इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन है, तो उसमें आपको 15 बूंदे आधे का पानी में जो है दिन में 3 बार लेना है, और उसको लंबे टाइम तक आप लेंगे तो आपको जो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें भी ये मेडिसिन जो है बहुत ही अच्छी तरह से रिलीव करेगी, उसको 100% क्योर करेगी। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है R1, इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो रेगवेक सीरीज की R1 मेडिसिन के ऊपर। बाकी नंबर की जो मेडिसिन हैं उसके ऊपर भी मैं बीच बीच में आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, जिससे आपको पता चले कि ये जो रेगवेक सीरीज़ की जो मेडिसिन होती हैं वो किस प्रॉब्लम में जो है यूज़ होती हैं और उनकी क्या डोज हमें रखना है। और आप इन मेडिसिंस को जो है, कुछ ऐसी मेडिसिंस होती हैं इसमें जिसको आप हमेशा अपने घर में रखेंगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो ये मेडिसिन अगर आपके घर में होगी तो आपको ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना ही आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगी। ये मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही फास्ट होता है, और जो एलोपैथिक जो मेडिसिन होती हैं उससे भी तेज़ जो इनका इफेक्ट होता है, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय।